ड्यूरेशन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस की राजधानी मॉस्को को हमले से बचाने के लिए पुतिन वहां S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात करने जा रहे हैं। मॉस्को की सुरक्षा के लिए वहां पहले ही कई S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा चुके हैं। लेकिन अब खबर है कि मॉस्को को बचाने के लिए पुतिन अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक डिफेंस सिस्टम को मैदान में उतारने जा रहे हैं। रूस का ये S-500 डिफेंस सिस्टम इतना घातक है कि इससे निकली मिसाइलें पलक झपकते ही दुश्मन को हवा में ढेर कर देती हैं। रूस का दावा है कि S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तैनाती के बाद उसकी मर्जी के बगैर परिंदा भी मॉस्को के आसमान में पर नहीं मार पाएगा। खबर के मुताबिक S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रात के अंधेरे में भी बेहद सटीक तरीके से दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखता है और इसमें लगे रडार इतने शक्तिशाली हैं कि छोटे से छोटा टारगेट भी आसानी से पहचान लेते हैं। दावा है कि S-500 डिफेंस सिस्टम 600 किलोमीटर दूर तक वार करके दुश्मन को ढेर कर सकता है और इसीलिए अब इसे मॉस्को की सुरक्षा करने के लिए उतारा जा रहा है, क्योंकि पिछले कई महीनों में रूस के शहरों पर ड्रोन हमले बढ़े हैं और इन ड्रोन हमलों के पीछे यूक्रेन का ही हाथ बताया गया, जिसके बाद रूस ने मॉस्को की किलेबंदी शुरू कर दी, क्योंकि उसे इस बात का डर सताने लगा कि कहीं यूक्रेन से छोड़े गए ड्रोन मॉस्को तक पहुंचकर हमला ना बोल दें। ऐसा इसलिए क्योंकि फरवरी के महीने में ही रूस के एक ऐसे शहर पर वार हुआ था जो मॉस्को के बेहद करीब था। तब ड्रोन से रूस के कोलोमना शहर पर हमला किया गया था। हालांकि ड्रोन हमले से पहले ही गिरकर नष्ट हो गया था, लेकिन कोलोमना शहर तक ड्रोन के पहुंच जाने ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि कोलोमना शहर रूस की राजधानी मॉस्को से सिर्फ 109 किलोमीटर दूर है। यानी एक तरह से देखें तो यूक्रेन का ड्रोन मॉस्को तक ही पहुंच गया था और इसी वजह से पिछले महीने मॉस्को में एक साथ 5 जगहों पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए थे। और तब रूस ने यह दावा किया था कि उसकी राजधानी किले में बदल गई है, लेकिन लगता है कि रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमलों का खौफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में S-400 तैनात करने के बाद अब वो मॉस्को में उससे भी खतरनाक डिफेंस सिस्टम उतारने वाला है, क्योंकि खबर है कि यूक्रेन भी अपने ड्रोन की ताकत को धार देने में जुटा है। यूक्रेन के पास सोवियत संघ के दौर के ड्रोन काफी संख्या में और लंबी दूरी की मिसाइलों की कमी की वजह से यूक्रेन ऐसे ड्रोन पर ज्यादा निर्भर है जो दूर तक उड़ान भरकर हमला बोल सकें। इसी वजह से वो अपने पास मौजूद ड्रोन में बदलाव करके उनकी क्षमता भी बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि इसी से निपटने के लिए रूस ने भी ज्यादा ताकतवर S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मॉस्को में तैनात करने का फैसला किया है, क्योंकि इसकी रेंज 600 किलोमीटर है, जबकि यूक्रेन की सीमा से मॉस्को की दूरी करीब 500 किलोमीटर है। यानी इससे निकली मिसाइल यूक्रेन से उड़ान भरते ही ड्रोन को ढेर कर सकती है। इधर दिल्ली में IPL मैचों की वजह से दिल्ली मेट्रो ने आखिरी ट्रेन का समय बढ़ा दिया। ये नियम दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर लागू होगा। और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले IPL मैचों के दिन मेट्रो तय समय सीमा से 45 मिनट देर तक चलेगी, यानी मैच खत्म होने के बाद दर्शक मेट्रो के जरिए लौट सकेंगे। उधर आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान में सालाना महंगाई दर ने अब तक के